पिछले वीडियो में मैं आप लोग को सीइंग मशीन के बारे में बताया कि सीइंग मशीन कितने प्रकार की होती है। आज मैं मैकेनिकल जो घरेलू सिलाई मशीन होती है वो कितने प्रकार की होती है, उसके बॉडी पार्ट्स के कितने भाग में विभाजित किया गया है, आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। जो घरेलू सिलाई मशीन है वो दो प्रकार की होती है, हाथ की सिलाई मशीन और पैर की सिलाई मशीन। हम लोग देखते हैं कि हाथ की कौन सी सिलाई मशीन है और पैर की कौन सी सिलाई मशीन है, इन मशीनों को बॉडी पार्ट्स को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये हाथ की सिलाई मशीन हो गई, देखिए पीछे फ्लाई व्हील लगा है, फ्लाई व्हील के तरफ एक हैंडल लगा रहता है जिसके द्वारा हम लोग हाथ से चलाकर अपना काम करते हैं। ये हाथ की सिलाई मशीन हो गई, ये पैर की सिलाई मशीन है। आइए जानते हैं इसके बॉडी पार्ट्स के कितने भागों में विभाजित किया गया है। घरेलू सिलाई मशीन जो मैकेनिकल सिलाई मशीन होती है इसके बॉडी पार्ट्स के पांच भागों में विभाजित किया गया है। ये बॉडी पार्ट्स हो गया, दाहिने तरफ सिल्वर कलर का जो फ्लाई व्हील लगा है ये हैंडल पार्ट्स में हो गया, और सामने की तरफ एक सिल्वर कलर का लगा हुआ है वो फेस प्लेट हो गया, और अंदरूनी जो अंदर की जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो इनर पार्ट्स में हो गया, और नीचे दो पीओ ट्यूब झूला हुआ एक चक्का लगा है पैर की सहायता से जिसको हम लोग चलाते हैं, ये पैर के भाग हो गया। इस तरह मैकेनिकल सिलाई मशीन के पार्ट्स के पांच भाग में विभाजित किया गया है। अगली वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि पांचों पार्ट्स में कौन कौन से पुर्जे लगे हुए हैं, उन पुर्जों का क्या कार्य है, आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे।